पात्रा चौल घोटाले में रविवार को गिरफ्तार हुए शिवसेना सांसद संजय राउत की कस्टडी आज खत्म हो रही है। ऐसे में राउत की ओर से जमानत याचिका डाली गई है, तो वहीं ईडी कोर्ट में उनकी जमानत का विरोध करेगी और साथ ही कस्टडी बढ़ाने की मांग करेगी। आपको बता दें कि पात्रा चौल घोटाले की जाँच कर रही ईडी ने बताया कि संजय राउत ने 10 प्लॉट खरीदने के लिए 3 करोड़ रुपए कैश दिए थे। इसके साथ ही संजय राउत को ये कैश प्रवीण राउत की ओर से मिला था। ईडी के मुताबिक संजय राउत के लिए प्रवीण फ्रंटमैन की तरह थे, जो संजय राउत को हर महीने लाखों रुपए कैश भेजते थे। इसी 3 करोड़ के नए खुलासे को आधार बनाते हुए ईडी जमानत का विरोध और कस्टडी बढ़ाने की मांग करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।